सो हे बट गाइस, एक और अनबॉक्सिंग के साथ आ चुका हूँ। वो है ये का वीवो का फोन, वीवो 23E 5G फोन। और इसके आज क्या अनबॉक्सिंग करने वाले और सारी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। और गाइस, ये जो फोन है कलर चेंजिंग वाला, आपको इसके अंदर ही पता लग रहा होगा गोल्डन। और ये और सब पतला फोन है और 5G फोन है, और उसके साथ साथ बहुत तगड़े स्पेक्स के साथ आता है। तो सबसे पहले ना यार, बिना टाइम वेस्ट करें इसकी ना अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो फटाफट अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यार हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसको फॉलो कर लेना, 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है। तो यस, फॉलो कर लेना और बढ़ते हैं इस फोन की हम अनबॉक्सिंग की तरफ। सो गाइस, ये हमारे पास V23 का बॉक्स है। हर जगह वीवो की ब्रांडिंग है, इस पर कहीं भी IPL नहीं लिखा हुआ। V23E 5G फोन है। बैक साइड पर छोटी मोटी स्पेसिफिकेशन, 8GB और 128GB वाला हमारे पास वेरियंट है। हथियार से खोल लेते हैं। और इसके साथ साथ 5G फोन है, 5G के बैंड थोड़ी बहुत पीछे लिखी हुई है, और प्राइस वगैरह कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, एक बार इसको खोल लेते हैं। और बिल्कुल एप्पल वाली स्टाइल में, लास्ट ईयर के एप्पल वाले स्टाइल में खोलेंगे। और यहाँ पे एक छोटी सील है, उसको भी अपने यंत्र से काट लेते हैं और उसको साइड में रख देते हैं, क्योंकि ख़तरनाक चीज़ है। फिर खोलते हैं। तो इस खुलते सबसे पहले हमारा फ़ोन देखने को मिलता है। अंदर कुछ नहीं है। तो फ़ोन को तो सबसे पहली चीज़ हम साइड में रखेंगे। अंदर एक हमको क्लियर केस देखने को मिल जाता है, जो अच्छी क्वालिटी का है, प्रीमियम क्वालिटी का है। और कवर्ड फ़ोन है, चारों साइड राउंडेड फ़ोन है, कोई डॉक्यूमेंटेशन वारंटी कार्ड जो हमने कभी नहीं पढ़ी है। 44 वोल्ट का सुपर फास्ट चार्जर, 67% 30 मिनट्स के अंदर हो जाता है। एक लीड मिलती है 3.5 जैक की, एक USB-C, उसके नीचे आपको इसके अंदर एक सिम इजेक्टर टूल जो बहुत ही हैवी क्वालिटी का है, और एक USB-C और A वाली, जो A से N टू C वाली है, जो काफ़ी मोटी और ग्रिप्ड वायर है। और एक और चीज़ मेरे को अंदर दिख रही है, वो है OTG, मतलब इसके अंदर 3.5 जैक है ही नहीं। लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी ने OTG प्रोवाइड करी, एक प्रीमियम लुक दे देती है। और फ़ोन को खोल लेते हैं। ओ गाइस यार, फ़ोन का खोलते यार क्या बैक कलर लग रहा है, खोलेंगे तो और मज़ेदार देखने को मिलेगा। सो गाइस, इसको एक बार खोल लेते हैं। हाँ, तो ये खुलने के बाद गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब ये जो मटेरियल है ना, वो जो है एक एंटी फिंगरप्रिंट मटेरियल, और फ़ोन का इन हैंड फील बहुत अच्छी है। सो गाइज, मेरे को लगता है कि यार आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। गाइज, ये जो पीछे मटेरियल है, एक बिल्कुल मैट मटेरियल आपको देखने को मिलता है, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसको जो कंपनी क्लेम करती है एंटी फिंगरप्रिंट, मतलब मैं इस पर इतनी देर से, मतलब मैं इसको टेस्ट जो कर रहा हूँ इतनी देर से, इस पर इतने फिंगरप्रिंट लगा चुका हूँ, पर इस पर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं लगा है। और इतना पतला है ना कि मतलब हाथ में महसूस ही नहीं हो रहा है ये। और इसके पीछे 3 कैमरा का सेटअप है। ऊपर वाला 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, और इसके नीचे वाला जो है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, और सोनी का सेंसर के साथ आता है। और नीचे वाला 2 मेगापिक्सल का इमोशनल सपोर्ट, और डुअल सेल्फी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे फ्रंट के अंदर आपको 44 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। 44 मेगापिक्सल का कैमरा और आई ऑटो फोकस के साथ, और एक्सट्रीम नाइट मोड इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और राइट साइड पे बात करें तो यार, इसके अंदर वॉल्यूम अप एंड डाउन की और पावर बटन है, और इन डिस्प्ले वैसे फिंगरप्रिंट सेंसर है। और नीचे की साइड पे एक स्पीकर ग्रिल और USB जो सी पोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है, एक माइक्रोफोन और एक सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, और ऊपर खाली है। अब गाइस, आप सोच रहे हो कि इसमें तो यार है नहीं, आपने भी देखा है उसके अंदर ईयरफोन है। तो यस, इसके साथ एक ये OTG मिली है, जो इस 3.5 mm कन्वर्टर वाली है, जो ईयरफोन वाले उसको कन्वर्ट कर देती है। और कोई बात नहीं, आजकल 20-25 हज़ार वाले फ़ोन के अंदर से भी जो है, जो फ़ोन का जो पोर्ट वगैरह सारी चीज़ हट रही है। तो बिना टाइम वेस्ट करें इसको खोल के देख लेते हैं एक बार। तो गाइस, जब तक खोल रहा है, एक बार मैं आपको सिम भी निकाल के दिखा देता हूँ इसकी। और 5G फ़ोन है गाइस, 5G के सारे बैंड इसके अंदर मौजूद हैं। और तो गाइस, आपको इसके अंदर ये सिम देखने को मिल जाती है। आप इसके अंदर जैसे कि सिम लगा सकते हो, या माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो, बड़ा छोटा सा है ऐसे, आप इसमें एक नैनो सिम या वो लगा सकते हो। और इस पर एक जो आप देख सकते हो ब्लू कलर की कोटिंग है, वो एक IP53 की जिसको रेटिंग देता है, फायर वाटर से उससे वो बचाता है। तो ये सिम ट्रे छोटी सी, और अब एक बार इसको बंद कर लेते हैं। सो गाइस, अगर इसकी मैं स्क्रीन की बात करूँ तो 120Hz की आपको इसके अंदर स्क्रीन देखने को मिल जाती है, और जिसका जो भाई स्मूथनेस बहुत मज़ेदार है। और ये एक सुपर एम्बेडेड का पैनल है, और इसके ऊपर ये जो वी शेप जो नॉच है, 44 मेगापिक्सल का सेंसर है। और मैं देख रहा हूँ भाई, इतना पतला फ़ोन है, और इसके अंदर 7.4
की जो है इसके अंदर थिकनेस देखने को मिल जाती है, और जो इसमें ब्लू वाला वेरियंट है उसके अंदर 7.3 की मिलेगी, पता नहीं क्यों। बट लेकिन एक अंदाजे के लिए मेरे पास एक ये चीज़ पड़ी हुई है, तो ये कटर है जिससे मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, तो ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा हल्का सा हाइट में लंबा होगा ये वीवो वाला फ़ोन, और पेंसिल से छोटा है। तो गाइज थिकनेस के मामले में तो मतलब पतला है, और उसका मतलब वेट भी इसका काफ़ी बढ़िया है, वो 172 ग्राम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी यूआई वगैरह क्लीन है, थोड़ी बहुत ऐसे थोड़ी बहुत चाइनीज़ वाइनीज़ वाली ऐप डाल रखी है, बाकी इतना तो बाकी तो ठीक ही है। और अब इसके थोड़े से मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो गाइस ये वाला जो फ़ोन है ना, वो आपको फन टच OS 12 पे एंड्रॉयड 12 के ऊपर बेस्ड देखने को मिलेगा आपको, जो बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड का वर्जन है। और उसके साथ साथ इसके अंदर आपको 8 GB की रैम प्लस 4 GB एक्सटेंडेड रैम, मतलब 12 GB की रैम और 128 GB की आपको स्टोरेज देखने को मिलती है, जो काफ़ी बढ़िया है। और अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो 4 GB यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 4 GB की जो एक्सटेंडेड स्टोरेज से जो होती है रैम आप ले लेते हैं। और Dimensity 10 ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है MediaTek का, जो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है बाकी MediaTek के जो कंपेयर करने में देखे तो। और इसके साथ साथ देखो यार, वीवो की ना एक बात तो बहुत बढ़िया लगती है, मैंने पहले भी वीवो के फ़ोन अनबॉक्स करे हुए हैं, तो इसमें डायनेमिक इफेक्ट करके आपको एक फीचर मिलता है, जिसमें आप अपने हिसाब से कोई भी कस्टमाइजेशन लगा सकते हो। लाइक अगर फिंगरप्रिंट है, अगर सबसे बड़ी बात अभी मैं इसमें चेक करके बताऊंगा आपको, इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है, तो आप इसके अंदर अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करवा सकते हो यार, कि आप कैसे फिंगरप्रिंट रखना चाहते हो। तो अप्लाई करते हैं, और अब एक बार जरा आप फिंगरप्रिंट लगा के भी देख लेते हैं, तो पासवर्ड वगैरह मांग रहा है वो, ठीक है। तो कुछ वो मांगेगा, तो अब मैं देखो इसके अंदर जो है मैं अपनी जो फिंगर है वो मैं लगा के देख रहा हूँ, तो सो गाइस देखो जो इसकी जो फिंगरप्रिंट की जो है ना पोजीशनिंग यहाँ पे आती है, तो मैं इसको अगर ऐसे दबा के रखूँगा ना तो बड़ा फास्ट है एकदम, शायद से आपको दिखा भी नहीं होगा, तो एक उसमें ही खुल गया था ये। ए यार क्या हो रहा है, ये देखो मतलब मैं इधर भी कई मतलब इसकी पोजीशनिंग ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे हाथ देखो फोन हम अगर ऐसे भी पकड़ते जैसे भी पकड़े, जो पोजीशनिंग होती है ना फिंगरप्रिंट सेंसर की वो बिल्कुल सही जगह पे है, तो इसकी वजह से जो है फ़ोन आराम से खुल रहा है। जो आजकल के फ़ोन में क्या होता है ना, कोई ऊपर कर देता है कोई नीचे कर देता है, तो इसमें बैलेंस्ड है कि आपने कहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह लगाने हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है वो। और अब बढ़ते हैं इसके मेन उस पर जो है हमारा कैमरा टेस्टिंग। सो गाइस इस कैमरा से पहले मैंने सोचा एक बार इसकी वॉइस टेस्ट कर लेते हैं, तो मैंने अपनी 10 मिलियन करीब 10 वीडियो खोल एक ली। फुल एचडी स्क्रीन के साथ 90 हर्ट्ज का पैनल, 64 मेगापिक्सल का कैमरा। सो गाइस टेलीग्राम के ऐसे कोई तीन बहुत मजेदार बोट्स बता दो जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाले, मतलब मजा आ जाएगा इनको सुन के। सबसे पहले बोट का नाम है dropmail.me, ये आपके लिए एक नया ईमेल एड्रेस बना देता है जस्ट, और अगर किसी भी साइट पे लॉगिन वॉगिन करने के लिए, और उसके लिए अगर आपको ओटीपी वगैरह चाहिए होगा ये भी। तो गाइस जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा क्रिप्स और बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखो इस प्राइस पर इसके हिसाब से जितना एक क्लीन आपको चाहिए होता है, अगर आप कोई 25 हज़ार तक का फ़ोन ले रहे हो, 20-25 हज़ार का, तो जो साउंड होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, तो क्लियर है, लाउड है, अच्छी है। क्योंकि मतलब मैंने एक दो ऐसे और भी इसी बजट के अंदर फ़ोन जो ट्राई करे उसमें जो साउंड थी थोड़ी लो थी, मतलब बेस लो था, इसमें सारी चीज़ जो है वो इक्वल है। सो गाइस इस कैमरा की टेस्टिंग करते हुए बढ़ते, तो इसमें आपको सारे कैमरा के फीचर देखने को मिल जाते हैं, प्रो मोड, नाइट मोड। नाइट मोड बहुत अच्छा है, एक 105 डिग्री का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, तो एक नॉर्मल कैमरा से फोटो खींच के देखते हैं और अच्छी क्वालिटी आ रही है अल्ट्रा वाइड। एक और नॉर्मल कैमरा से एक 2x और एक 10x, 10x बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है, मतलब डिसेंट है। फिर फ्रंट की सेल्फी पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छा है, और ये VR स्टिकर्स भाई, मैक्रो शॉट्स जो है ना, ये मैक्रो शॉट्स इसके स्पेशलिटी, बहुत ही अच्छे मैक्रो शॉट्स आए हैं, मतलब कि एकदम इंटेंस फीलिंग वाले जो है मैक्रो शॉट्स इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं।
और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको VR स्टिकर दिखाया था, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है हर वीवो के फोन में आता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ये इसकी एक की फीचर है। सो गाइज होप्स आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। ये वाली जो वीडियो है मैं इसी फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको साउंड क्वालिटी का पता चल जाएगा। तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कैसे, और अनबॉक्सिंग के लिए और ऐसे ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए यार सब्सक्राइब करके रख लेना।